कि चारों तरफ एक जैसा बिल्कुल जितने चप। दिस इज द बेस्ट थिंग यू नीड टू डू हियर। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चल दिए किले की तरफ। किला बहुत बड़ा है और किले में एंट्री लेने के लिए आपको 10 रुपए का एक टिकट लेना पड़ता है। ये देखिए महल का मुख्य जो द्वार है। टिकट काउंटर के पास ही आपको गाइड भी मिल जाएंगे जो मात्र 100 और 200 रुपये लेकर आपको महल घुमा देते हैं, साथ ही यहाँ की हिस्ट्री भी बता देते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे थे, आई सजेस्ट यू कि आप गाइड कर लें, क्योंकि घूमने के साथ ही राइट इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने कोई गाइड नहीं किया क्योंकि ये मेरा दूसरा ट्रिप था। इस किले का निर्माण 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने कराया था। किले के अंदर एक मंदिर भी है शिव जी का। यहाँ का मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है जहांगीर महल और राजा महल। राजा महल बताते हैं कि रानियों के लिए था, वहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह हैं थोड़ी। और मेन जो जहांगीर महल है वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे 130 कमरे हैं और मंदिर से चारों तरफ का व्यू बहुत बढ़िया दिखाई देता है। सामने की तरफ राम मंदिर भी दिखाई देता है और पीछे की तरफ नदी है। ये है जहांगीर महल, अब इसके अंदर ही हम जाने वाले हैं और यहाँ की ही वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ये मेरे लिए मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन यही था, तो मैंने इसी की वीडियोस बनाई हैं। बाकी आप आगे वीडियो में देखिएगा, मैं आपको मिलूँगा एंड में। तो महल मैंने आपको सारा घुमा दिया है और महल बहुत ही खूबसूरत है। ये आप मौका लगे तो एक बार ज़रूर आइए। ये देखिए कितना प्यारा महल है और धूप आ रही है शाम की अच्छी अच्छी। ये महल चारों तरफ से एक जैसा बिल्ट है। इस जिसने ब्लूप्रिंट बनाया होगा, बहुत गजब का ब्लूप्रिंट है। ये समझ लीजिए कि चारों तरफ एक जैसा बिल्कुल, जितने चबूतरे, जितने बालकनी, जितना जो गैंगवे है, सब एकदम सेम है। गाइज लुक एट द प्लेस अराउंड मी। और सबसे अच्छी चीज़ है मॉन्यूमेंट्स को अच्छी से प्रिजर्व करने की, कि उन्हें होटल में कन्वर्ट कर दो।
तो यहाँ पे अमर महल है जिसको लग्जरी होटल के नाम से उसका नेम टैग दिया गया है। अब देखो इन्होंने जितने भी पुराने महल से अब उनको पता है बहुत ज़्यादा थे तो उनको मेंटेन करना भी उतना ही मुश्किल होता है, तो उन्होंने उनको होटल्स में कन्वर्ट कर दिया जिसके हिसाब से बहुत क्लियर एंड क्लीन रहेंगे। तो और मेरे पास में देखो लोकेशन कितनी अच्छी है और पीछे पीछे बड़ा सा महल है। जो मेन ओरछा है, ओरछा जहाँ पे आपको ऑटो वाले रोकेंगे वहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाके रिवर राफ्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो अभी मैं रिवर राफ्टिंग करने ही जा रहा हूँ। रास्ते के नज़ारे बहुत अच्छे थे, बहुत ही बढ़िया। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड मज़ा तो ऑब्वियस आने वाला है। आप लोग भी घूमने आओ तो मज़ा तो ऑब्वियस आने वाला है। ये देखो दिखाता हूँ, लुक एट दिस, कितनी प्यारी लोकेशन है ये, इतनी अच्छी जगह है। प्लस यहाँ के टिकट मात्र 10 रुपये 20 रुपये और किसी किसी में टिकट्स भी नहीं है, तो इट इज़ वेरी इजी। और बहुत रियासाई ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया है चीज़ों को। ये देखिए, आई जस्ट लव दिस प्लेस। मेरे इस तरफ पीछे नदी है, अब नदी में जाऊँगा और रिवर राफ्टिंग करनी है वहाँ पर, तो वहाँ पर जाऊँगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है करके। This is the best thing you need to do here. बहुत अच्छी चीज है और मजा भी काफी आ रहा है। अभी थोड़ा पीछे पानी रफ हो जाता है तो और मजा आता है वैसे तो। क्या बात है। दूसरी तरफ का नज़ारा है, वहाँ उस नदी में हमने राफ्टिंग की थी, राफ्ट वहाँ से लेके वो उधर एंड तक गई थी, वहाँ से घूम के फिर वापस ले आए थे। ओके, तो गाइज आपने ये देखी ना छोटी छोटी सी छतरियाँ, ये एक्चुअली समाधि हैं, जो जो राजा थे उस टाइम पे उनकी समाधियाँ हैं।